नोच के सजा देनी चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको पल पल मारना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको जिंदा रख के ना तड़फा तड़फा के मारना चाहिए। किस तरीके से उस बच्ची के साथ अन्याय किया है उसने, उसका हमें इंसाफ चाहिए। समझ में आया? बेगार को सजा दे। अभी आप हायर अथॉरिटी से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहिए कि हमारी बच्ची के साथ अन्याय हुआ है ना, उसका न्याय चाहिए, हमारे को इंसाफ चाहिए, उसका अन्याय का बदला, उसको बच्चे को सजा जरूर देनी चाहिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए, उसको तड़फा तड़फा के सजा देनी चाहिए। आज हमारे को इंसाफ चाहिए उस बच्ची के लिए। सोनी को इंसाफ दो, सोनी को इंसाफ दो, सोनी को इंसाफ दो, सोनी को इंसाफ दो, सोनी कौर को न्याय दो, सोनी कौर को न्याय दो, इंसाफ चाहिए। खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। आज सिकलीगर समाज में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ओके। हम सिख छावनी में ब्रह्मवाला गुरुद्वारा रहता है, पूरी कमेटी सिख सिकलीगर पूरे कमेटी मिलकर ये धरना कर रहे हैं। अब धरना के पास इज्जत लेके किशन बाग तक धरना, एक ही हमारी विनती है हमारे केसर साहब से, उनको सख्त से सख्त सजा दिए, उनको जल्द से जल्द पकड़िए, पकड़ के उनको सजा दीजिए। सजा देने के बाद में उनको रोडी शीटर बुक कर दिए, रोडी शीटर बुक करके बाद में उनको पीटीआट, उनको पीटीआट लगाना, उनको पीटीआट लगा दिए, उनको पीटीआट लगा के छः महीने में चार्जशीट फेल करके 6 महीने में उनको कड़ी से कड़ी सजा, उम्र कैद, नहीं तो फांसी की सजा, फांसी की सजा, नहीं तो उम्र कैद करना उनको। मेरे केटीआर साहब से, मेरे केसीआर साहब से बेनती है, होम मिनिस्टर साहब से बेनती है मेरी, जल्द से जल्द मुलजिम को पकड़े और उनको फांसी की सजा कार्रवाई जल्द से जल्द करी जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।